नमस्कार दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय केदार बाबा। दोस्तों ये वीडियो आप पूरी देखिए। अगर आप केदारनाथ धाम आने का प्लान आपका है तो आपकी ये वीडियो आप पूरी देखिए, आपका दिल दहल जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ, ये आपका जो पुल है, पुल के पास में जो यहाँ पर बहुत अच्छा एक पार्क बना हुआ है, यहाँ से केदारनाथ धाम 300 मीटर है, वो पूरा का पूरा दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाइन लगी हुई है, ये पूरी की पूरी लाइन वो केदारनाथ धाम है, वहाँ तक आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी लाइन है। और अभी मैं आपको और इससे भी ज़्यादा डरावनी तस्वीरें दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, अगर आप आने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार ज़रूर विचार कीजिए कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, ये पुल है और ये पुल के पास में आप देख सकते हो पूरी लाइन लगी हुई है। पुल के बाद आप देखिए, पुल से उधरते पूरा 1 किलोमीटर का, ये यहाँ से केदारनाथ 1 किलोमीटर पड़ता है, ये पूरी लाइन है। अब आप सोचिए आप किस हालत में यहाँ पर आएंगे और कैसे यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर होटल पूरे फुल हो चुके हैं। ये देखिए, ये पूरी लाइन है। ये देखिए, आप पहला दिन है, अभी आज सुबह 6 बजे यहाँ पर कपाट खुले हुए हैं और आप भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। दोस्तों आने से पहले एक बार ज़रूर विचार कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको इससे भी ज़्यादा अभी डरावनी आपको अभी वीडियो में आगे बढ़ते रहूँगा, आपको दिखाते रहूँगा। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और के चार धाम से और उसके अलावा सारी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मुख्य जानकारी देंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यात्रा से जुड़ी। तो दोस्तों आप देखिए, ये लाइन है, ये लाइन है आपकी जो GNVN के गेस्ट हाउस है, वहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है। अभी जो मुझे दिख रही है उससे बहुत आगे तक का ये लाइन है। और ये पूरा का पूरा मैं केदारनाथ धाम से अभी दर्शन करके आया हूँ, मैं 2 बजे से लाइन में लगा था, अभी 8 बजे मेरा नंबर आया है। तो देखिए, वो केदारनाथ धाम है, एक नहीं चार चार पाँच पाँच लाइन लगी है। आप देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा केदारनाथ धाम पूरा का पूरा भरा हुआ है। दोस्तों आप चाहते हो ऐसे में आना, वो आपकी मर्जी है, पर मैं आपको सलाह दूंगा, आप बिना होटल बुक किए, बिना गाड़ी की बुकिंग किए और यहाँ का पूरा स्टेटस जाने यहाँ पर आप बिल्कुल भी मत आइए। जब भी थोड़ा सा क्राउड कम होता है उस टाइम में आइए। अभी ये पहला दिन है और इसके बाद आप सोचिए, जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो उसके तब 15 मई के बाद क्या हाल होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग रात को सड़कों में सोए हैं, उनको यहाँ पर रूम नहीं मिले हैं, और अगर और रूम है भी नहीं, पूरे भर चुके हैं और रूम की जो कीमत है वो 10 से 12 हज़ार रुपये है। तो सोचिए, आप यात्रा करने आ रहे हो या पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हो, ये आप विचार कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा, ये देखिए, ये पूरा पुल है, पुल के पास, पुल से आगे गढ़वाल मंडल के जो गेस्ट हाउस हैं उससे भी आगे हेलीपैड है, हेलीपैड से भी आगे तक ये लाइन लगी हुई है। तो सोचिए इनका नंबर कब आएगा और कब ये वापस लौटेंगे। तो दोस्तों आने से पहले ज़रूर विचार कीजिए, आपको जाना चाहिए ऐसे टाइम में या नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर आएँ और बड़ी मुसीबत में फंस जाएँ। दोस्तों अभी मैं आगे जाऊँगा हेलीपैड के पास में, वहाँ का वीडियो बनाऊँगा। आप अपने जो आपके आने वाले दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे जो जानकारी है आपके साथ में साझा करते रहूँगा। धन्यवाद।